हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको कंपोनेंट्स, इवन एंड ऑड कंपोनेंट निकालने क्वेश्चन में कैसे करना है, ऑपरेशन किस तरह पूरा परफॉर्म करके अपना आंसर आपको निकालना है वो सिखाऊंगा। तो न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आता है कि फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। आपको सिग्नल दे दिया जाएगा और उसका आपको पूछा जाएगा कि इवन और ऑड कंपोनेंट्स दोनों आपको पूछे जाएंगे कि आपको बताने हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/2 xt + x - t आपका इवन का, और वहीं पे माइनस अगर आ जाए तो वो ऑड के लिए, ऑड कंपोनेंट के लिए। तो वो फॉर्मूले को बेसिक में यूज करके यहां पर निकालने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सिग्नल है xt। आप हमेशा यही पैटर्न फॉलो करें जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो 2t इस तरह से मैंने लिख लिया। अब आप क्या करें, आप नेगेटिव t भी लिख लें, क्या आने वाला है, ये आ गया। t की जगह मैंने माइनस t पुट कर दिया बस। अब इवन पार्ट देखते हैं, वो आएगा 1/2 xt + -t। तो ये हो गया 1/2 e^(j)2t + e^(-j)2t। अब ये जो है ये पूरा फॉर्मूला बन गया मेरा सिंपल cos 2t का। अगर इसको यहां ना विजुलाइज करके यहां देखूं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो cos 2t का फॉर्मूला बन गया। अब इसी तरह से आपका ऑड कंपोनेंट भी आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं आपका, बस क्योंकि माइनस आ जाता है तो मैं सीधा यहीं पे वो ही लिख देता हूं, आपका e^(-j)2t। ये आपका फॉर्मूला बनेगा j sin 2t का। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया, काफी सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन आपके लिए स्टार्टिंग के लिए मैंने लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह आपको करना है, बस सब क्वेश्चंस में xt लिखो, x - t लिखिए, इसमें भी हम यही करेंगे, और फिर उनको करके सिंप्लीफाई इवन और ऑड का हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू क्या रहने वाला है। सो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, ये मुझे दे रखा है। अब यहां पर पहले xt मैंने लिख लिया, अब -t देखता हूं, तो 1 + -t² + -t³। ये तो यहां पर हो गया। अब यहां पर भी करूंगा cos²(10 - t). अब यहां पर 1 यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी वैल्यू, t ये आ जाएगा, यहां पर t³ आ जाएगा। और आपको पता है cos, क्योंकि आपका उसमें cos t = cos - t ये रहता है, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है आपका, तो यहां पर ये चीज मेरी cos²(10t) वापस आ गई। अब ये वापस आ गई तो xt मेरा ये हो गया, x ऑफ जो नेगेटिव t है वो ये हो गया। अब मैं चेक करता हूं कि मुझे जो कंपोनेंट्स निकालने हैं वो कैसे आएंगे। x इवन निकालना है तो सीधा इवन t, 1/2 xt + ये आ गया। इसमें मैं सीधा चेक करता हूं तो पूरा डाल देता हूं, 1 + t² + t³ cos²(10t), और यहां पर +1 + t - t³ cos²(10t। अब देखूंगा तो यहां पर सिर्फ ये वाली नेगेटिव की टर्म है जो कट जाएगी, बाकी ये दोनों टर्म्स ट्वाइस हो जाएंगी। ठीक है, जब आप खोल के देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके तो वो चीज आपको दिख जाएगी। वैसे यहीं से भी कोई विजुलाइज कर सकता है इस चीज को बेसिकली। तो इस हिसाब से यहां पर ये ट्वाइस हो जाएगा, तो मैं इसको देख लेता हूं, 1/2
टू टाइम्स ऑफ वन बाय टी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टेन टी, यहां से ये कैंसिल, ये मेरा इवन पार्ट आ गया, एक्स इवन ऑफ टी, ये मेरा इवन पार्ट आया। सिमिलरली ऑड पार्ट भी मैं निकाल सकता हूं, यहां पर अगर ऑड मुझे चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ये बदलेगा, यहां पर अगर नेगेटिव डालूं तो अब टी क्यूब और टी क्यूब ऐसे ही है, मान लीजिए इसको विजुलाइज करूं तो यहां से वन कैंसिल आउट होगा, फिर टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां पर बस मेरा अंतर इतना आएगा कि यहां पर ये टू टी क्यूब बनेगा और कुछ इस तरह से मेरा आएगा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको, आप ये आपके जो आंसर है वो सही आए हैं कि नहीं वो चेक करने का भी तरीका है। अब मैं अगर इवन पार्ट अपना चेक करूं, इवन पार्ट जो मेरा आंसर आया था और ऑड को, एक्स टी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था इवन और ऑड होता है, तो अगर इवन और ऑड पार्ट को ऐड करूंगा तो मेरा ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा जैसे कि था, यहां पर टी क्यूब आया है और वहां पर आपका वन प्लस वन बाय टी आया था आपका। तो ये आपका एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरा आंसर कुछ सही आया या नहीं। तो ये क्वेश्चंस आपके बस इतने ही करने काफी हैं, इसमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूस के केस में वैसे भी क्वेश्चन आते नहीं है और क्वेश्चन भी सारे सिमिलर ही रहते हैं, टी के रहेगा या फिर साइन में रहने वाला है, साइन या कॉस में, तो वो आप लोग कर लेंगे, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक मैथ्स यूज होना है। तो मैं इतने ही दो ही क्वेश्चन इसमें इसलिए करा रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।